रवि शर्मा शो। मुझे बचपन में इतना जासूस बनने का शौक था, मेरा दिल किया कि मैंने बड़ा होकर जासूस ही बनना है, क्योंकि मैंने जितनी भी जासूसों वाली फिल्में देखी, खास तौर पे आप कभी भी देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड के जासूस में जमीन आसमान का फर्क। वहां के जासूस देखो आप, हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियां, जेम्स बॉन्ड, काले कपड़े पहने, चश्मा, महंगी महंगी गाड़ियां। हमारे जासूस को भिखारी बना देते हैं, तो सड़क पे गाना गा रहा होता है जाके, दे दाता के नाम, साथ में जासूसी कर रहा है, ये क्या। अच्छा उनके जासूस देख लो आप हॉलीवुड के, प्लेन क्रैश हो रहा तब भी बच जाता है। हमारा जासूस उसको कोई गाड़ी टक्कर मार के मार जाती है उसको बेचारे को। हॉलीवुड का जासूस अलग है, गुंडे उससे भागते हैं, वो पीछे पीछे भागते हैं, जेम्स बॉन्ड आई विल किल यू राइट नाउ। हमारा जासूस खुद भाग रहा होता है बेचारा, भागता भागता फिर सुनसान जगह पे एक पीसीओ मिलता है उसको, पब्लिक टेलीफोन, जो सिर्फ इसी के लिए रखा होता है। सबको पता है कि ये फंसेगा, फिर वहां से फोन करेगा। अच्छा पुलिस को नंबर मिलाया है तो सीधी काम की बात करना, तूने किसको खून करते देखा, लंबी लंबी बातें करेगा। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बोल रहा हूं, हाँ हाँ आज मुझे इस गद्दार का नाम पता चल गया जो शराफत की आड़ में हमारे देश को लूट रहा है, जो ड्रग्स का धंधा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लाखों नौजवानों की ड्रगों में नशा दौड़ रहा है, आज मैं उसका नाम बताऊंगा। इसी देर में ट्रक आया पब्लिक बूथ के साथ, जासूस की आउटगोइंग। तू क्या कर रहा है, तेरा काम है, तू भाग रहा है, तेरे पीछे गुंडे लगे, सीधा सीधा फोन मिला, हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, सर विलन का नाम मदनपुरी है, काम खत्म। वेट कर रहा है जब तक ट्रक आके ठा करके नहीं मारेगा, तो बताना नहीं। अच्छा कई बार तो हीरो हीरोइन ना विलन के अड्डे पे पहुंच जाते हैं गाना गाने, भेस बदल के पूरा गाना बना होता है, ये विलन पूरा इंजॉय कर रहा था, जैसे गाना खत्म होता ना चुपचाप जाता है विलन, उसकी मूंछ उतार देता है, मुझे पता था तुम आओगे विजय। उसको स्टार्टिंग में पता होता है, उसको स्टार्टिंग में पता होता है, उसको पब्लिक के एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना, ऊपर से उसको पता है श्रीदेवी का डांस चल रहा है, क्यों बंद कराए, वो भी इंजॉय करता है। अच्छा हम ये सोचते हैं कि आदमी ही जासूस होते हैं, आप देख लो जेम्स बॉन्ड, करमचंद या व्योमकेश बख्शी, दुनिया में तीन ही आदमी जासूस हुए हैं, कभी लेडीज पे फिल्म नहीं बनती जासूसी की, पत्नियों में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी की सारी जासूस होती हैं। आप कोई भी चीज ले लो, ये शक्कर ना इनकी हॉबी होती है इनबिल्ट, पति वैसे कभी आ जाए ना तो खुश आ रहा है पति घर ऑफिस में, तो वहीं पूछती आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या हो रहा है। अगर आदमी थोड़ा रोमांटिक मूड में, आज बड़ा प्यार आ रहा है, क्या हो क्या रहे तुम्हें, अगर आदमी कुछ ना बोले, बड़े चुप चुप शराब पी गए हो, हर बात में शक करेंगी। अच्छा जो लोग शराब पी के आते हैं तो उनको छुपाना भी होता है कई कई बार बीवियों के डर से, कोई इलायची खा लेगा, कोई पान खा लेगा। अच्छा शराबी आदमी ज्यादा अवेयर होता है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। पता तब चलता है जब फ्रिज का दरवाजा खोल के बाथरूम वाला काम कर देता है, तब पता चलता है इसने पिया है। अच्छा मैंने सुना क्रिकेटर्स की वाइफ बड़ा प्यार करती है, साथ में मैच देखने जाती है, ये प्यार व्यार कम ही होता है, ये देखने जाती है कि टेस्ट मैच की आड़ में 20-20 तो नहीं खेल रहे कई बार जाके। अच्छा पत्नियों की एक और आदत मैं आपको बताता हूँ, शक करने वाली, जो दाल बनाते वक्त ना इनका अपना बाल गिर जाए ना, नजर नहीं आता इनको, चाहे पूरा जूड़ा ही गिर जाए, जो नकली लगाते ना पूरा जूड़ा, उसको भी कोफ्ता समझ के सर्व कर देती, लेकिन पति ने अगर काली शर्ट भी पहनी ना, ढूंढ के काला बाल निकालेंगी उसमें से, और फिर सीधा इल्जाम लगाती, पूछती भी नहीं है ये कौन है ये चुड़ैल। आदमी भी गुस्से में बोलता है, तेरी माँ से मिलने गया था उसका है, वो चुड़ैल है बता। अच्छा कुछ लोग एग्जाम में ना पर्चा लेके चले जाते हैं चुपचाप नकल मारने के लिए, ये अपना दिनेश है ना, ये ऐसे ही लिख गया था हिस्ट्री का पेपर, और ये अकबर का पूरा युद्ध लिख के ले गया, ऊपर से आ गई टीचर, इसने कागज मुंह में डाले खा लिया, अगले दिन अकबर की सारी सेना फ्लश हो रही थी। अच्छा कुछ लोग मंदिर में जाते हैं ना, उनको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, वहां पे भी चप्पल छुपा छुपा के रखते हैं, गंदी सी चप्पल भी पहनी होगी ना, तो उसको इतना छुपा देते हैं कई बार कि वापस आते तो खुद नहीं ढूंढ पाते, इतना बास मार रहा जूता, फिर चूहा आके देख जाता, कहता ये लो ये मेरी चूहिया ने फीते चाट लिए, उसका पेट खराब हो गया अंदर। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, खुजली छुपाते हैं, ऐसे पब्लिकली खुजली नहीं कर सकते, अगर हो रही है ना तो आदमी एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर बैठा है तो बैठे बैठे अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, फिर ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, एक्सक्यूज मी बोल के जाते हैं, एक्सक्यूज मी, फिर वॉशरूम में जाके फिर लगा। शादी से पहले कई कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं, फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे थे ना, फिर ससुर पूछता है बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते, तो कहता आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है।
अच्छा, आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जासूसी करते हैं या शक करते हैं? जी भाई साहब। गुड इवनिंग कपिल जी। वेरी गुड इवनिंग। हिम्मत करके मैं भी आज कुछ बोल ही लेता हूँ। बोल दो सर। शादी को 6 साल हो गए हैं। अच्छा। और बीवी मेरी साथ में ही अभी। अच्छा, इधर वाली की इधर वाली? लेफ्ट साइड वाली। अच्छा जी। और आज तक जासूसी वो तो उनके खून में है, औरतों के। बीवियों के? सॉरी, अपने पति की। बीवी, यस यस एग्जैक्टली। मैं बिजनेसमैन हूँ, सुबह में कई बार लंबा कॉल चलता है तो किससे बात करो, क्या है क्या नहीं, वो पूछती रहती है। कई बार कुछ मूड बन गया, परफ्यूम ज्यादा लगा के निकल गया तो। किस चीज का मूड बनता है आपका सर जब ज्यादा परफ्यूम लगाते हैं आप? सर जैसे कि मूड बन गया कि आज परफ्यूम लगाना है, ये वाला फ्लेवर लगाना है, ये छोड़ के ये लगाना है, ऐसा मूड बन गया तो जब तक ऑफिस ना पहुंचूं तब तक 10 बारी फोन कर लेती है, कहाँ पे पहुंचे, अभी तक पहुंचे नहीं, कहाँ हो क्या नहीं। मैंने बोला कि ऑफिस पहुंच गया हूँ। अच्छा। फिर वो मेरे कलीग को फोन करती है कि भाई ये ऑफिस पे आ गए, ऑफिस पे ये काम कर रहे नहीं कर रहे। जस्ट ये मीठी जासूसी करती है सर, क्योंकि मुझे उसके साथ ही रहना है तो ज्यादा उसकी वो नहीं करूंगा, मीठी जासूसी करती रहती है। मीठी जासूसी तो सर अभी वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे हिसाब से आप एक बार कुछ बोल दोगे तो मेरा काम इजी हो जाएगा। मेरे कहने से थोड़ी ना हटेंगी, जो 6 साल से नहीं हटी मेरे कहने से कैसे हट जाएंगी। सर ट्राई करके देखिए, मेरा काम बन जाए तो। कैसी हैं आप? नमस्ते सर। आप जो कर रही हैं करते रहिए, आदमी का कोई भरोसा नहीं। तो आपको किस चीज पे शक होता है? आपने कभी मतलब ऐसे कुछ संदिग्ध अवस्था में देखा इनको? कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा क्या? वो कभी मैसेज पढ़ लिया हो इनका या इनका फोन में देख लिया हो कुछ ऐसा वैसा? नहीं नहीं सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए जी, तो 3 साल तक तो मैं परफ्यूम जो भी लाती थी वो लगाते थे, कपड़े मतलब कपड़े की शॉपिंग करती थी तो वही पहनते थे। अच्छा। और आजकल तो सब उसकी पसंद की सब चीजें खरीदते हैं, लगाते हैं सब कुछ, तो फिर अपनी मर्जी का परफ्यूम भी ना लगाया आदमी। तो 3 साल से तो लगाते थे तो अचानक से 3 साल पहले उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी ना कि चलो आप तुम्हारे हिसाब से, बेचारे इस चक्कर में लेडीज परफ्यूम लगाते रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी अगर वो लगा रहे हैं तो लगाने दो उनको। तो मतलब आपको इस बात पे शक है कि अब ये अपनी मर्जी से काम करने लगे हैं? हाँ, अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं, मतलब पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा। नहीं नहीं, अचानक से रोमांटिक होता है आदमी, 1 महीने का नोटिस दे आपको कि मैं 30 तारीख को रोमांटिक होऊंगा। एक काम करो ना भाई साहब, अगर भाभी जी आप पे शक करी नहीं है तो एक आध फिर कर ही लो, अब तो हो ही रहा है। सर एक जैसे तैसे संभाल पा रहा हूँ, दूसरी किधर से संभाल। आपके बच्चे भी हैं? नहीं सर अभी तक नहीं है। अच्छा, तो एक्चुअली जब बच्चे हो जाएंगे ना तो इनका ध्यान अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच सर। पर बहुत क्यूट जोड़ी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष टिप्पणी करना चाहता? जी मैम आइए। हेलो कपिल। हेलो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ये शक पे मेरे साथ भी एक ऐसा वाक्य हुआ है, मेरी शादी हुई थी थोड़ी देर हुई। अच्छा, 2-4 मिनट। अच्छा, तो घर में सास बहू के ननद भाभी के झगड़े तो चलते रहते। हाँ जी, वो मैंडेटरी है जी। इसी में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाके थोड़ी भगवान से प्रेयर करते हैं जी। तो बिना बताए घर से चली जाती थी, तो इसी में मेरी ननद को मेरे पे शक हो गया। अच्छा। उसने अपना बॉयफ्रेंड मेरे पीछे लगा दिया। आपकी ननद ने? तो फिर? तो वो मैं काफी दिन जाती रही, वो मेरे पीछे आता रहा, मैं उसको चेक किया थोड़े दिन। अच्छा। तो एक दिन वो मेरे पास बैठ गया मंदिर में, मैंने उससे पूछ लिया कि आप मेरे पीछे क्यों आते हो। हाँ। तो कहते हैं कि आपकी ननद के साथ मेरा रिश्ता है और मैं उसने मुझको भेजा हुआ है आपके पीछे। अच्छा। देखने के लिए कि आप कहाँ जाते हो। तो मतलब पकड़ना आपको जाती थी, पकड़ी खुद गई ननद। वही हुआ ना, शक मुझ पे किया और उसका खुद का रिश्ता उसके साथ टूट गया। तो फिर आपने, अच्छा उसके साथ रिश्ता टूट गया। उसने लड़के ने बोला ना, जो अपनी भाभी पे शक करती है तो वो मेरे साथ जिंदगी में क्या करेगी। पॉइंट था वैलिड। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। जी और कोई मेरे दोस्त? नमस्ते कपिल पाजी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी। कहाँ से आए आप? मैं हरियाणा से आया हूँ जी। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ पाजी कि मैं, जो मेरा फ्रेंड था उसकी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसको बहुत लाइक करता था, तो मैं अपनी दोस्त की बुराई उसके सामने करता कि यार ये तो बहुत गंदा है, तेरे लायक नहीं है, ऐसा है वैसा है। वो बोलती नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसा वैसा है, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। मैं, चल ठीक है, मैं तुझे प्रूफ करके दिखाता हूँ ये। अच्छा। कैसा है।
तो पाजी मैंने उसकी जासूसी करनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, वो जहाँ भी जाता उसके पास जाता, उसका फ़ोन देखता, क्यों दोस्त तो था ही अपना। तो एक दिन मैं उसको बोला, भाई तू मुझको एक बात बता, तू उस लड़की को सच में प्यार करता है कि ऐसे टाइम पास करता है? कपिल पाजी आपको तो पता ही है, लड़के से कोई लड़का पूछा तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तो पर्सनैलिटी खूब झाड़ता है। बोलता है, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी चेप हुई है, ठीक है, तेरे भाई के पीछे तो आगे पीछे बहुत लड़कियाँ घूमती है। मैं खुश हुआ, पाजी वाह, मन की बात। मैं उसकी बात रिकॉर्ड करता था पाजी। रिकॉर्ड कर ली? हाँ, तो मैंने उस लड़की को भेजा वो मैसेज। अच्छा। रिकॉर्डिंग का, तो उस लड़की का रिप्लाई आया एक घंटे बाद कि सभी लड़के ऐसे होते हैं। मैंने भी सर पाजी चौका मार दिया टाइमिंग पे। मैं बोला, सब लड़कों को तो पता नहीं पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, इस तेरी केयर करता हूँ, इसलिए तेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है। अच्छा पाजी, दोस्त तो आउट हो गया, लड़की इन होगी। अच्छा ये भी हो गया, अच्छी बात है कि आपकी थोड़ी बात, अगर वो आपको ये बोलती नहीं कि सब लड़के ऐसे होते हैं, आपने प्रूफ भेजा तो सीधा अगर लिख के थैंक यू भैया बोल देती आपको, तो आपका दोस्त भी गया था तो लड़की भी गई थी। नहीं सर, कुछ रिस्पांस था इसलिए किया मैंने उसके लिए कुछ। अच्छा, रिस्पांस देती थी थोड़ा सा। बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल है आपका, सारे एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे। अरे पाजी मैंने नानी को कहा था मेहमान आने वाले, अरेंजमेंट करे, पता नहीं कहाँ, मैं देख के आता हूँ। हाय, आज कितना अच्छा लग रहा है ना सिद्धू पाजी, रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या करने आई हो, तुम्हारी गर्दन कहाँ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज मेरे बाप का राज है। चलिए आज यहाँ पर हम एकदम फ्री है, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, तो कम ऑन, आर यू रेडी? तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं, वेलकम वेलकम। मैंने तेरे को नीचे हॉस्पिटल की साफ सफाई करने भेजा था, तू वो साफ सफाई कर, समझ आई? मैं बाथरूम में आज ना पैंट की धुलाई का फंक्शन रखा हुआ है, मैं उसमें बिजी हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा, सफाई कर। सिद्धू भाजी ये सफाई वफाई करने का कोई मूड नहीं है मेरा। तो क्या आपको सच बताऊं तो एक्चुअली ये फोर्स टू फिल्म आ रही है, उसकी शूटिंग के दौरान ना जॉन अब्राहम को काफी इंजरीज हो गई थी। तो मैंने आज सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम को यहाँ पर ना चेकअप के लिए बुलाया है। वाह, वो आ भी गए हैं, आप लोग रेडी है तो मैं बुला लूं? बुला बुला यार, रेडी है? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सोनाक्षी सिन्हा एंड जॉन अब्राहम। खुशकिस्मती है जो आपका दीदार हो गया, आपके आने से पतझड़ भी मौसम बहार हो गया, है खूबसूरती ऐसी कि ताजमहल की मूरत नहीं होती, और आप दोनों के ग्लो से कपिल शर्मा के सेट पे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती। वेलकम, इसीलिए तो आते हैं हम यहाँ पे। हाय हाय हाय, वेलकम वेलकम। अरे कपिल, ये क्या हुलिया बना रखा है, आज ज्यादा खा लिया? नहीं, आपको गैस? नो, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कपिल शर्मा नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश एकदम ठीक है, मैं अच्छी है। मैं एक्चुअली बंपर हूँ, आई एम अ नर्स फ्रॉम 50/50 हॉस्पिटल। सोनाक्षी मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? सिद्धू पाजी
जितनी सेल्फीज मैंने नहीं खींची ना उतने बार जॉन इंजर हो चुके हैं इस फिल्म पर, तो इससे इसका इलाज कराने लाई हूं। हाँ, ओके ओके, आपको बिल्कुल भी चिंता तो चिता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरा चेक कर सकती हूँ एक बार? हाँ, प्लीज। मैं इंजरीज मैं सो जाऊं वहां पे? नहीं नहीं, एक बार मैं ऐसे ही, इतनी जल्दी नहीं है। इंजरीज हाँ, काफी इंजरीज हैं। अरे तू इंजरी देख रही है, फील ले रही है? ऐसे चेक करते हैं, घुटनों में हुई थी इंजरी? नहीं नहीं, मैं खाली देख रही हूँ कि इंजरीज कहाँ कहाँ हैं। अरे मैं बोल रही हूँ घुटनों में हुई थी, तो आ क्या देख रहे हो तुम? नीचे नीचे और नीचे। अच्छा, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ नहीं भूलूंगी मैं, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन, जब तक है जॉन। चलो बस, हो गया हो गया। ए, अब ये ए, आ, बस बस बस, बस कर, आप फोर्स नहीं कर सकती हैं। मैं फोर्स नहीं कर सकती? फोर्स तो मैं कर रही हूँ, मैं फोर्स टू भी कर रही हूँ। अरे सोनाक्षी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तुम रॉ एजेंट हो, ट्राई सम हाथापाई। शो पे आई थी हाथापाई कराने के लिए बुलाते सिद्धू पाजी। अरे नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए नहीं नहीं, ये सब करने की क्या जरूरत है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सीनियर डॉक्टर को भेजती हूँ, डॉक्टर आएंगे, वो चेकअप करेंगे। ओके, डोंट वरी। ओके ओके, डॉक्टर त्रिपाठी, मतलब डॉक्टर राठी, डॉक्टर पाठी, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, ऐसा रहमी रहमी टाइप का, वो बस आते हैं। तुम्हारा इलाज कौन करेगा? नहीं नहीं, वो आ रहे हैं, डॉक्टर साहब को करेंगे। मैं थैंक यू जॉन और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां। इतनी शोर में सुनाई नहीं दिया भैया। और जाओ यार, मैं नहीं आता। मैं ऐसे कुछ बोलता है? अब मैं भाई का शो है, मैं आ गई बस। जब से तूने 18 करोड़ इनकम टैक्स भरा ना, तेरा हाल बड़ा बुरा है। ओ वाह, और आप जो 1990 में जीरो पे आउट हुए थे, आप सबको मैं बता दूं कि जॉन और सोनाक्षी की फिल्म आ रही है फोर्स टू। फोर्स में आपने जॉन को एक्शन करते हुए देखा, इस फिल्म में भी एक्शन करेंगे। अच्छा, इसका नाम फोर्स टू क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक्शन कर रहे हैं इसलिए है? क्या रीजन है? इसमें सोनाक्षी हीरोइन नहीं है, शी इज ऑल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। एक्चुअली फोर्स टू नहीं, फोर्स फोर होना चाहिए था, तीन तो अकेले इधर ही है। तो फिर अब 3.5 होगा। 3.5? मैं आधी हो चुकी हूँ। सोनाक्षी एक बात बताओ, पहले अकीरा, अब फोर्स टू। हाँ। हर जगह एक्शन करती नजर आ रही हो, हम क्या समझें कि तुम्हारी जिंदगी में रोमांस कम हो चुका है? देखो, उसके पहले भी तो की थी, दबंग की थी, राउडी राठौर की थी, सन और सन, सब एक्शन फिल्में तो की थी। मुझे बहुत शौक है एक्शन फिल्में देखना भी और उनका हिस्सा भी। एक्शन ही करो तुम, खूब लड़कों को तो राखी बांध देती हो, एक्शन ही करना पड़ेगा ना, फिर रोमांस किधर से होगा? खूबसूरत लड़कों को नहीं बांधती। जॉन, तुम्हें राखी बांधी है मैंने? नहीं, अब तक तो नहीं। नहीं ना, मैं एक सवाल मैं सोनाक्षी से पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में ना सोनाक्षी से किसी ने पूछा कि शत्रु सर की अगर बायोपिक बने तो उस रोल में किसको देखना चाहती हैं? सोनाक्षी कहती है रणवीर सिंह को। तुम्हें तुम्हें भाई नजर आता है, रणवीर में तुम्हें पापा नजर आते, तुम्हें किसी में पति नजर नहीं आता? पिछली बार भी आई थी, मैंने यही बोला था, अभी मेरी उम्र का हुई है शादी करने की।
वैसे ऐसा क्यों बोला था आपने? रणवीर सिंह में आपको क्यों नजर आया कि वो शत्रु सर का बायोपिक कर सकते हैं? अरे भाई, अच्छा एक्टर है, पर्सनालिटी है, मस्तीखोर है. मैंने बहुत किस्से सुने पापा की मस्ती के in his heyday. तो आई थिंक he should play the role. एक और लड़का है टीवी पे आजकल शत्रु सर की, बड़ी अच्छी कॉपी करता. और तुम लग रही है जी. और उन्होंने 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 तारीफ भी की है. पिछली बार वॉर्न भी किया था जब मैं जा रही थी कपिल के शो के लिए कि बोल देना थोड़ा हाथ ज्यादा हिलाता है. शत्रु सर, आपकी बेटी ने मेरे से ज्यादा हिला दिए. मैंने इतने हिलाए नहीं कभी. जॉन, आपने फोर्स में मोटरसाइकिल उठाई थी पहले जी, अब तो फोर्स टू है, तो इसमें क्या ट्रक उठाने का इरादा आपका? क्या क्या इसमें क्या उठाया आपने? कुछ तो उठाया होगा, हटते तो आप है नहीं. नहीं, वो एक गाड़ी उठा दी. उठा दी ना? वेरी गुड. आई एम सो प्राउड. लेकिन वो गाड़ी का जो वेट था ना, वो डार्लिंग से कम था. वो चलिए आइए जॉन सोनाक्षी, प्लीज यहाँ बैठ जाइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे. इसकी शूटिंग ज्यादातर कहाँ पे की आप लोगों ने? बुडापेस्ट. बुडापेस्ट में? बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है? यूरोप में. तो वहाँ पे कोई बुडापेस्ट करता रहता क्या है? अंदर देखा. I know my joke was bad, but my intentions were not bad. सोनाक्षी, आपने जॉन के साथ भी फिल्म की है, अक्षय पाजी के साथ भी. आपको लगता है ये दोनों टॉर्चर करते हैं अपने को, एक्टर्स को, कि टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये नहीं करना, पीठ सीधी करके बैठो, सेट पे पैदल जाओ, ऐसा? हाँ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाने के मामले में करता है अक्षय, मतलब टाइम पे सोना और उठने के मामले में. नहीं, हम लोग दोनों काफ़ी सिमिलर है. अक्षर में दोनों आई थिंक 9:30-10 बजे सो जाते हैं, 4:30 बजे उठते हैं दोनों. क्या करना होता है आपको 4:30? कैसी लाइफ है? मतलब क्यों उठ जाते हैं आप? आपका दिल करता है कि उठ? 4:30 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं हम लोग. अच्छा, एक्सरसाइज करते हैं 1.5 घंटे के लिए. 9 बजे भी कर सकते हो? नहीं, लेकिन 4:30 बजे इसलिए करते हैं क्योंकि 7 बजे जो शिफ्ट होता है. अच्छा, वो सबसे अच्छा शिफ्ट होता है. वो कपिल का शिफ्ट वही टाइम पे एंड होता है. 7 बजे सुबह. नहीं, हमारा ऐसी बात नहीं. कपिल शर्मा का भी कर देते हैं. कपिल शर्मा का दिन रात को 10:30-11 बजे चढ़ता है और रात होती है 8:00 बजे. ये सही है कि नहीं? हिस्ट्री चेक कर लो, टोटल जीनियस ऐसे ही हुए सारे. नहीं, जब शूट होता तब तो समझ में आता है. जी जी. और मैंने सुना आप वैसे भी उठ के बैठ जाते हैं सुबह सुबह. हाँ, मैंने सुना है ऐसा कि बाबा रामदेव को यही फोन करके उठाते हैं. मैंने ऐसे सुना है. मुझे किसी ने बोला, कहते जॉन इब्राहिम उठते हैं, फिर वो स्वामी रामदेव को फोन करते हैं कि उठ जाइए बाबा, टाइम हो गया. पर इस फिल्म में इन्होंने बहुत मेहनत की है. 3 बार तो घुटना तोड़वाया अपना, हाथ पैर टूटे, काफी दो सर्जरी आपकी बुडापेस्ट में हुई. हाँ, 2 सर्जरी बुडापेस्ट में हुई और 1 सर्जरी मुंबई में यहाँ पे. और एक सीक्वेंस था वहाँ पे जहाँ पे मुझे एक वायर पे, मतलब 150 फीट ऊपर वायर पे मुझे हैंग करना था. अच्छा. और उस टाइम पे जो ताहिर है, जो हमारे फिल्म के जो विलेन है, उसको वो वायर को काटना था और मुझे स्विंग करना था. अच्छा. वो थोड़ा ऑफ हो गया और मैं सीधा कांच के थ्रू गया और मैं गिर गया. हॉस्पिटल गया मैम, उधर उन लोग ने एक इंजेक्शन अंदर डाला और पूरा खून निकाल दिया और मैं वापस सेट पे आ गया. अच्छा. शूट करने के लिए. तो उसके बाद 6 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल गया. हर रोज़ उन लोग ने ये इसको काटा और यहाँ से खून निकाला, हर रोज़ क्लॉटेड ब्लड 80 ml. फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी बहुत सीरियस हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं कपिल जी, उसने कहा कि बहुत सीरियस हो गया, तुम्हें पैर काटना पड़ेगा. मैंने कहा अरे ये तो मतलब मैं यहाँ एक्शन करने, आप बोल रहे हो पैर काट लो. मुंबई में मैंने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे ड्रेन पाइप लगा दो और फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ. अच्छा. तो ड्रेन पाइप लगा के मैं फ्लाइट में बैठा और कौन थी मेरे साथ फ्लाइट में? श्रद्धा कपूर. अच्छा. और मैं ऐसे बैठा था और श्रद्धा ने, मतलब शी फेल्ट रियली बैड फॉर मी और मुझे टॉयलेट जाना था ऐसे, तो शी सेड कैन आई हेल्प यू. तो मैंने श्रद्धा को देखा, मतलब इतनी छोटी, मैं बोला ये कैसे हेल्प कैसे कर सकती है, मतलब कहीं गिर जाएगी वो, है ना. तो कुछ भी करके मुंबई आके मैंने मेरा जो 3rd surgery है वो वहाँ पे किया, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में, और आज वापस एक्शन कर रहा हूँ मैं. जब बुडापेस्ट में जब आप इलाज करवा रहे थे, वहाँ की नर्सिस कैसी, मतलब आई मीन
अरे बम्पर से ट्वाइस द साइज डबल. तो उनको मुझे एक्चुअली इंजेक्शन देना था यहाँ पे. अच्छा. तो नर्स आई एकदम और सीधा मतलब ठप करके इंजेक्शन दे दिया. मैंने सर ऊपर किया ठप करके सर वापस नीचे. तो मतलब वहाँ के नर्सेस इतने बड़े होते हैं लेकिन बहुत स्वीट. मतलब जैसे वो तगड़े. अच्छा. हाँ. और जैसे हम लोग मैंने थोड़ा आवाज किया बोला तो फुल डिक्टेटरशिप हो गई. जाना है वहाँ. कहाँ पे. बुडापेस्ट. कभी भी नहीं. मैं क्यों किसी बुड्ढे को पेस्ट करता था. राक्षी इन्होंने ना जॉन जब पिछली बार आए थे हमारे यहाँ पे इन्होंने कहा कि मेरे पास दो टी शर्ट है दो जीन्स हैं. अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई थी डिशुम उसमें भी इन्होंने दो जोड़ी कपड़े पहने. फिर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बिना कपड़ों के सोता हूँ. अब चाहते क्या हैं. आई मीन अब मतलब ये भी उसने, कपड़ों से नफरत क्यों है आपको. ये भी उसने ये पैंट आई थिंक मैं नहीं देख रही हूँ वरना वो एक कैमोफ्लाज वाली पैंट है वो ही पहनते रहता था. मैंने और कोई पैंट देखी नहीं है. नहीं ये मेरा खुद का ब्रांड है इसके लिए मैं पहन के आता हूँ. नहीं तो आते नहीं ये पहन के आते नहीं मतलब. हाँ. अगर मेरे कपड़े नहीं मिलते तो मैं नंगा ही घूमता हूँ. नहीं लेकिन मैं बहुत शाय हूँ. मैं बहुत शाय हूँ सच में. मैं बहुत शाय है तो ये हाल है आपका. अगर आप शाय नहीं होते तो क्या होता. तो नहीं बट आई एम वेरी शाय. उसके लिए दोस्ताना में मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया कंट्रोल. आप सब गवाह हैं. मुझे सोनाक्षी ने सोनी टीवी पे दो बार राखी बांधी. मुझे अभी गुस्सा भी नहीं लगता फिर चलो हो गया अब जो होना था. पर मुझे समझ में नहीं आता कि सोनाक्षी किस चीज से इंप्रेस होगी. जो भी मेरा भाई आएगा. भाई नहीं जीजा जी अभी तो हो गए. क्योंकि मैंने सोनाक्षी को ड्रम बजा के भी दिखाया गाना भी गाया शो भी मेरा नंबर वन चल रहा है. तो समझ नहीं आया. अच्छा मैं यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे दोस्त हैं लड़कों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप को क्या लगता है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए. कोई है मेरा दोस्त. अच्छा कहाँ से आए आप ब्रदर. हरियाणा से. अच्छा सच बताऊं कपिल सर जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है समझ ही नहीं आ रहा लड़कियों को क्या पसंद आना चाहिए. जैसे पहले जमाने में लड़की लड़का लड़की को लुक देता है या विलन से बचाता है तो इंप्रेस हो जाती थी. आज के जमाने में अगर लड़का लड़की को लुक देता है तो ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसकी कंघी चुरा लियो. आपके साथ हुआ ऐसा कभी. ट्राई नहीं किया. ट्राई करके देखो. तो अभी मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है. है. तो कैसे इंप्रेस किया था आपने उनको. जैसे पुराने जमाने में फूल देकर इंप्रेस करते थे वैसे ही मैंने उसको गुलाब दिया. फिर बोलती है मेरे को चॉकलेट चाहिए. तो ले देते यार फिर क्या. दे दी. तो उसके बाद कहती है ये चाहिए. तो फाइनली मैंने कुछ बड़ा सोचा कि कुछ एक बड़ा सा गुलदस्ता लेके जाता हूँ स्पेशली लिलीज फ्लावर्स. अच्छा. और सोचा कुछ बड़ा होगा लेकिन वही रिटर्न में सिर्फ थैंक यू मिला. तो रिटर्न में क्या चाहते हैं आप. गर्लफ्रेंड बन जाए. अच्छा. हाँ. तो एक दिन गलती से उसके नंबर पर 100 रुपये का रिचार्ज हो गया. तो जैसे ही उसके नंबर पर रिचार्ज होता है तुरंत रिप्लाई आता है आई लव यू. तो उस दिन के बाद से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई. रात भर बातें होती है. फाइनली सच बता इसमें झूठ कितना है सच कितना है. तू फेंक जा रहा था ना दान. नो सर. मेरी बात सुन भाई. यस सर. अगर 100 के रिचार्ज में तुमसे इंप्रेस होगी ना किसी ने 200 का करा दिया ना कल को. ये क्या. और चलो कोई बात नहीं हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. 100 रुपए में बट गई नारी शक्ति जिंदाबाद जी. oh. क्या क्या. अच्छा फूलों वाली मोहतरमा तुमने बोला क्या था. मेरे को तो सिर पट गया. क्या बोला. मैंने ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे 100 रुपए से लड़की पट गई. अब लड़की ऐसे तो नहीं होगी कि वो 100 रुपए में तो पट जाएगी. देखो अगर लड़की को इम्प्रेस करना है ना लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ सोचो मत बोल दो एकदम सोनाक्षी लग रही हो. अब देखो बंदे ये तो बोल देंगे सोनाक्षी लग रही है. वो लड़की आ गए उनको जॉन कैसे बोलेगी. तो ये है. और जैसे कि जॉन सर जैसी जिसकी बॉडी हो कपिल जैसी स्माइल हो उनको ट्राई करना नहीं पड़ता है. तो मतलब मैं हाँ समझू.
क्या समझूं इसे मैं? आप डांस कर लीजिए मेरे साथ। आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की। मैंने तो अपनी फिल्म खराब कर दी थी डांस के चक्कर में। दो डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान, वो नहीं करवा पाए। एक कोरियोग्राफर अलग से थे। मुझे डांस नहीं आता दीदी, सॉरी। आई वांट टू से समथिंग। और फिर पूछता ही बहन भाई क्यों बना देती हो? आज से मैं ऐलान करता हूँ, ये जगत भैया है, जगत भैया। तो जो कोई ओए बैठो एक सेकंड, ये सोनाक्षी के साइड इफेक्ट्स हैं। मुझे दीदी निकल गया, मुझे आपका नाम नहीं आपने बताया। दिशा। दिशा मैं इसी दिशा में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आई। आप क्या करती हैं दिशा? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, BMM कर रही हूँ। अच्छा, बैचलर इन मास मीडिया। गुड कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अच्छा जैसे दिशा एक बात बताओ, जैसे बैचलर इन मास मीडिया होता है, वैसे मैरिड इन मास मीडिया भी होता है? अरे तुम तो शर्मा गई। क्योंकि मैं शर्मा हूं ना। That's a good one. दिशा शर्मा। सरनेम भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। Very good. भाई बहन का भी सरनेम सेम ही तो होता है। दिशा सही बोला दीदी, ये हमारे प्यार में घुसपैठ कर रही है। तुम कैसी बहन हो, एक तो खुद भाई बनाती हो, दूसरा कोई भाई, मैं मर जाऊं? तुमने दीदी बोला उसको। मैंने प्यार से बोला था दी, दिशा शॉर्ट में बोला दी, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री आ गया था। तूने दीदी थोड़ा ना बोला, तूने तो अफरीदी बोला था। आप अभी तक गए नहीं। शुक्रिया, थैंक यू, पर यू आर राइट, आई एम विद यू। थैंक यू, थैंक यू दिशा, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू ब्रदर। और कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल बाजी। हेलो। हेलो सिद्धू बाजी। हेलो जी। हेलो सोनाक्षी एंड हेलो जॉन इब्राहिम। तू ऐसी कमीज पहन रखी है, मेरे को तो लग रहा बल्ब ही लगा लेता। तो आपको सब पता है लड़कियों के बारे में? नहीं सब तो नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, वो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा प्लीज। एक्चुअली क्या है कि कहां से हैं आप? यूपी से। यूपी में कहां से? यूपी में आगरा। आगरा से? कब छूटे? बहुत टाइम हो गया छूटे हुए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या होता है कपिल बाजी, करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग से सोचने की जरूरत है। अच्छा। क्या कि अपने को पता होना चाहिए कि किस लड़की को इम्प्रेस करना है। राइट। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक खूबसूरत लड़की की दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, एक जो उससे थोड़ी कम खूबसूरत है, एक उससे भी कम थोड़ी। रिसर्च अच्छी है बंदे की। तो पहली वाली जो टॉप लेवल है वो अपने को पता होता है अपने अपने लिए है ही नहीं, तो उस पर ट्राई करना ही नहीं है, फोकस सीधे दूसरी पे, दूसरी ट्राई करनी है। तो उसके लिए क्या है, लड़की को डायरेक्टली इंप्रेस करने से अच्छा पहले उसकी फ्रेंड से बात बात करना शुरू करो, उसको बहन बना लो। हाँ। उसको बहन बना लो, उससे बात करना शुरू कर दो। क्या उसके थ्रू आपको नंबर मिल जाएगा? क्या आइडिया लगाया चमकू। पर क्या बात है भाजी, बंदे की रिसर्च अच्छी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने नंबर ले लिया, बात करना शुरू कर दी, फिर लड़की को इंप्रेस करने के लिए सबसे अच्छा सबसे जरूरी है उसकी केयर करना। केयर कैसे? केयर कैसे करना है आपको, सुबह उठते ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज जाना चाहिए। और किस तरीके से केयर कर सकते हैं, उसकी जुए निकाले? जुए निकालोगे तो वो केयर नहीं बनेगी, जुए निकालोगे तो लगेगा बस वो पीछे और कुछ नहीं है। केयर करोगे, पैम्पर करो उसकी हर चीजों को, सब चीज देखो उसकी, और उसको गिफ्ट देना फिर बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट में क्या चीजें देने चाहिए पंडित जी? गिफ्ट में उसको बहुत सारी ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस देखे वो, तो वो सब देना है, चॉकलेट्स देनी है, फ्लावर्स देने हैं। और फिर लड़का अगर काम ना करता हो, बेकार हो, तो बेकार होगा तो वैसी लड़की उसके साथ नहीं पटेगी ना, करना ही पड़ेगा उसको उसके लिए। कुछ भी कहो चमकू चालू है, मैं बता रहा हूँ। आपका नाम जमाना है सत्यूबाजी बनना पड़ता है आजकल। क्या नाम क्या ब्रदर आपका? नितिन, नितिन गर्ग। कितनी गर्लफ्रेंड्स है आपकी? वो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, क्यों वरना लड़ाई हो जाएगी ना उधर। अच्छा, ये फुल PhD करके आया है लड़की पटाने में। इतने हाथ में आपने धागा वागा पहना है, पूरी प्रेजेंटेशन आपकी धार्मिक है। बहनों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से तो फोकस सेट हुआ ना अपना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आगरा में एक ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया ना, दूसरा ये बनवाएगा। पर नितिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया जो मैं आने के लिए। लव यू। और कोई मेरे दोस्त? जी क्या नाम है आपका? रोमियो।
जीवन लोहार जी। जीवन जी बोलिए सर। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मैम के और सर के सामने मैं बात कर रहा हूँ। मुझे जरा फिर बैठ जाओ। अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है, बिलीव पे तो दुनिया टिकी है। आपको क्या लगता है हमने डुप्लीकेट बिठाए हुए हैं सर? भाई ऐसा नहीं, जरा मुझे पीछे से कोई मार देगा तो पता चल जाएगा। मार भाई मार। मारो भाई मारो भाई। अरे और मारो। सर और मैम से दोनों में से कोई एक। ये मारेंगे तो बचोगे या नहीं बचोगे वो नहीं पता, बट मैं मार सकती हूँ। इतना क्यों शौक है सुनाक्षी को लड़के पीटने का? क्यों लड़कों को पीटती हो? घर में बाबा ही नहीं है क्या? हम लोग थोड़ा तर्क किया करो, रहम किया करो। घर पे सिर्फ खामोश सुनने मिलता है, अब क्या करूं? अच्छा तो आपका क्या विचार है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा विचार यह है कि सब लोग फ्लावर देके या चॉकलेट देके लड़की को इम्प्रेस करते जी, पर मेरा विचार यह है कि लड़की को अपने दुख के बारे में बता के उसको इम्प्रेस करना चाहिए। क्या? जो अपने लाइफ की प्रॉब्लम है उस सबको बता के मतलब, उसकी भी क्या प्रॉब्लम? मतलब लड़की को मिलने जा उसको को मेरे इधर फोड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे? क्या कोई एग्जांपल तो दो तीन चार। ऐसे फैमिली में कोई लाइक नहीं करता है, आप मुझे लाइक करेंगे तो ज्यादा अच्छा। वो बोले कि फैमिली में नहीं तुम्हें कोई लाइक करता तो मैं क्यों करूं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमने आने के लिए। थैंक यू नितिन, आप बड़ा कमाल का बोलते हो। मेरे पास आपके लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट है, आइए। आप कहते हो ना कि आप लड़कियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पड़ता है, ये लो। मैं कहता हूँ जितने मर्जी SMS करो, लेकिन रिचार्ज आप अपने पैसों से करवाना, ठीक है? थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा ये आप लोग कहाँ से आए? आपकी टी शर्ट पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है हमारे शो का नाम लिखा हुआ है। वाह वाह की सोनाक्षी। सर हार्ट फॉर यू। लुक आई एम सीइंग शी मेड ए हर्ट फॉर मी। हर्ट नो हार्ट। आई विल मेक अ हर्ट फॉर यू। अगेन यू हर्ट मी। या शी मेड ए हार्ट फॉर मी। कहाँ से हैं आप लोग? सर गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? बड़ौदा आनंद से। क्या करते हैं आप सब लोग? सर हम लोग अभी कॉलेज में हैं। अच्छा। MBA चल रहा है अभी हम लोग, MBA प्लस IT। आप सब एक ही कॉलेज में? हाँ एक ही क्लास में। तुमको MBA का असली मतलब पता है? मने बद्दू एवरेज। क्या आता भाजी? MBA का असली मतलब है मैरिड बट अवेलेबल। आपको बड़ा पता है भाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। कपू शर्मा यार तुमने बताने से सिद्धू जी आ गए हैं। तू मेरी बीवी है, तुझे सब कुछ बताऊं मैं? सिद्धू तो हमेशा आते रहते। इधर देखो जॉन सोनाक्षी आए हैं। ओह वाह वाह। हेलो सोनाक्षी, आपका काम थोड़ी हम छोड़ने देते हैं। क्या बात है। हेलो सर, कैसे हैं जॉन सर? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने आपसे इंस्पायर होकर मैं लाइफ में आगे बढ़ाऊँ। कहाँ बढ़ा तू? इधर ही तो पड़ा हुआ है तू, कब से कहाँ आगे बढ़ा है? सर मेरी बात सुनी, मैं आपसे इतनी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में आई है, जैसे आपने मद्रास कैफे खोला मैंने दुबई टी स्टॉल खोल लिया। लेकिन आप मद्रास तक रहे, देखो मैं दुबई तक पहुंच गया हूँ। ये बात की तूने भी सीधा लिप्स पे थप्पड़ खाने वाली। फ्रंट पे थप्पड़ तेरे। ये बात याद रखना क्योंकि पुलिस में से पूछती है कि इतनी मार पड़ी क्यों पड़ी। शर्मा मेरी बात सुनो, पुलिस की धमकी मेरे को नहीं देने में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं स्टार फादर बनने वाला हूँ। स्टार फादर? हाँ। मतलब तेरा बच्चा स्टार बनेगा? हाँ बिल्कुल। टैलेंट होना चाहिए उसके लिए। भाई इसको पता नहीं कि हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं। खानदानी क्या टैलेंट है तुम लोगों में? आपको पता है हमारे जो परदादा जी थे ना, वो चलते हुए कान खजूरों की टांगे गिन लेते थे। वो फ्री थे इसलिए गिनते थे, टाइम पास करते थे भाई। एक को पता है एक कान खजूरा उठाया, उसकी दो टांगे कम गिन दी, कान खजूरा कान में गाली दे के गया। हाँ जी भाजी बिल्कुल बिल्कुल, इनको पता है, ये दूसरे खाने में बैठकर गालियां सुन रहे थे। कुछ भी आपको पता है सर, मेरे जो दादाजी थे ना वो बहुत बड़े शूटर थे, वो निशानेबाज बहुत तगड़े थे, वो 8 लड़कियां एक साथ जा रहे थे ना, जिसको आंख मारते थे उसी को जाकर लगती थी। निशानेबाज तो थे, ऐसे टूथब्रश लेके ना सुबह निकलते थे घर से यूं यूं करके, जिधर कबूतर ने टूथपेस्ट किया वहीं से उठा के। वो आयुर्वेद में विश्वास रखते थे और तब टूथपेस्ट में नमक वहीं से आता था। और बुढ़ापे तक बाजी उनके दांतों में चमक रही है।
वो तो इतने ज्यादा उनके दांतों में रोशनी थी, मैं तो बचपन में पढ़ाई भी उनके दांतों की रोशनी के नीचे करता था। वो स्माइल करते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेता था। वो तो जब दुनिया से गए तो हंसते हंसते गए, नाम रोशन करके गए हैं। कहता मेरा दादा नाम रोशन कर गया था। मैं बताऊं कैसे भाजी, लाइटर चाट रहे थे, पेट में थी गैस, स्टंट हो गया। ऐसे इसका मुंह देखो, चंदा लेने नहीं आए होते लोग। मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी बात सुनिए। और बड़ा फायदा उठाता है अपने मुंह का, पता है आसपास देखता ना, हम में से कोई नहीं है तो कोई गाड़ी निकल रही हो ना, ऐसे पहले ऐसे खड़ा होता है एटीट्यूड में, कोई नहीं देख रहा ना, कहता है जा यार मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आई। अभी देखना भाजी, इसका बेटा करेगा इसका नाम रोशन। खबरदार अगर उसको बेटा कहा तो। बेवकूफ आदमी ये कहते हैं कि खबरदार मेरे बेटे को अगर कुछ कहा तो। नहीं नहीं, अब मेरा बेटा बेटा नहीं ना रहा, मैंने उसको बेटी बना दिया है। बिल्कुल बेटा बेटी अपना, सॉरी अपना बेटी खजूरा। ये क्या किया? और लड़की क्यों बना दिया इसको? ये आप पूछ रहे हो? आपके शो में लड़के लड़कियां मरकर बढ़िया बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। वाह कपिल शर्मा, देखना मेरी खजूर रानी कितने पैसे कमाएगी। क्यों बेटी? खजूर, तेरा पापा तो है ही लालची, तुझे ये सब नहीं करते, शर्म नहीं आती तुझे? अरे मैंने इसे तो कहा था कि आप ही बन जाओ। हाँ जी, पर लड़की बनने के बाद मुझसे भी ज्यादा गंदे लग रहे थे। और तू बत्ती, अपनी इंट्रोडक्शन दो बेटी। बत्ती खजूरी खजूरी, सिद्धू जी सिद्धू जी, जॉन जॉन, सोनाक्षी सोनाक्षी, खजूरी खजूरी, हाय ये मजबूरी। बेटे किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, जिसकी नकल कर रहे एक बार इससे पूछ तो लो। जी, अब उसे भी इतना बता दो कि लड़की का बिहेव कैसा होता है। वो तो खुद हीरोइन से हीरो बनती जा रही है, तुझे क्या बताएगी? अपनी मम्मी से जाके क्यों नहीं पूछता रहे? ओ, उससे क्या सीखेगा, वो तो मुझसे डेढ़ गुना ज्यादा मर्द लगती हैं। मैं समझ गया कि मेरा इस समय वेलकम नहीं है। ओ बेटे नहीं नहीं है, है पूरा वेलकम है। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते आप लोगों को एक वेलकम शो पेश करना चाहूंगी। जाते जाते वेलकम सॉन्ग कौन पेश करता है? स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, हम करते हैं वेलकम वेलकम, हम करते हैं वेलकम वेलकम, स्वागत है श्रीमान आपका। सिद्धू जी के लिए दो लाइनें। रुकना इनको आता नहीं है, रुकना इनको आता नहीं है, ठोक है पहचाने आपका, ठोक है पहचाने आपका, स्वागत है श्रीमान आपका। बहुत बेबी, इतना ज्यादा तुम्हें काम कितने किसने बोला था करने के लिए? ज्यादा काम नहीं करते, आओ तुम थक गई होगी, तुम्हें बाहर रेस्ट करवाऊं। हम आते हैं, धूप में बिठाओ थोड़ा बेबी को। आओ बेबी। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो सोनाक्षी और जॉन के साथ फोर्स टू में बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं, बड़े ही टैलेंटेड एक्टर हैं। प्लीज आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर ताहिर राज भसीन। ताहिर बहुत अच्छे एक्टर हैं, फोर्स टू में ये थोड़ा नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने इनको मर्दानी में देखा, इनका काम बहुत अप्रिशिएट हुआ। ताहिर आप दिखने में इतने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं,
शरीफ लगते हैं. थैंक यू. ऑडिशन में ऐसा क्या करते हैं कि आपको बदमाश वाले रोल मिल जाते हैं? मेरे एक एक्टिंग गुरु हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भले ही दिमाग अगर विलन का हो, दिल हीरो का होना चाहिए, ऑडियंस आपको पसंद करेगी. तो मैं ये मन में रख के जो है. अच्छी बात है. अच्छा, मर्दानी फिल्म में ये रानी मुखर्जी से पिटते हैं काफी, और इस फिल्म में सोनाक्षी एक्शन कर रही है. ये तो जो फिल्म में नहीं भी होता उनको पीट देती है. तो मतलब जो फिल्म में होंगे उनको, आपको मजा आता है लड़कियों से मार खाने में? सर, अभी कोई बता रहा था लड़कियों की बातें, मतलब उनको कैसे अप्रोच किया जाता है. तो मेरे ख्याल ये एक अप्रोच करने का भी एक नया तरीका है. मतलब पहले मार खा लो और फिर बोलो हाय मेरा नाम था. तो ये भी एक तरीका है. प्रैक्टिस करनी है? नहीं दीदी, मैं मत मार, क्यों मारती रहती लोगों को? मजा आता है. क्या खा के सोनाक्षी, क्या इसको एकदम ब्रेन चेंज हो गया? मुक्के मारने में मजा आता है, लाठी मारने करती है. अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा फोर्स और फोर्स टू के रचयिता जो हैं, डायरेक्टर मिस्टर अभिनय देओ एंड प्रोड्यूसर मिस्टर विपुल अमृतलाल शाह. आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. जहाँ जगह मिलती बैठ जाए. मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, यहाँ पे, क्योंकि अभी शूट चल रहा था, मेरा सर्जरी हो रहा था ना, मैं यहीं पे था. अच्छा, तो यहाँ पे बैठ जाओ. पावर नैप लेने का दिल तो नहीं कर रहा आपका? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ. नो प्रॉब्लम, आप चाहे तो आपको ड्रिप भी लगा देते हैं. हाँ, ये परफेक्ट. ओके विपुल सर, आपने अक्षय सर के साथ काफी फिल्म बनाई ना, अक्षय पाजी के साथ. जी जी. आपका सैलरी सिस्टम पे आपका चल रहा है? अक्षय जी मुझे सैलरी देते हैं. अक्षय जी के यहाँ और कुछ नहीं हो सकता, सैलरी मैं लेता हूँ. बट आई थिंक अब हमारी और जॉन की भी ये दूसरी फिल्म है जी, और मुझे लगता है कि द वे वी आर गोइंग, फोर्स 5-6 तक बनाने का इरादा तो पक्का है. सो लेट्स सी हाउ वी गो. अच्छा, अभिनय सर जो है, इन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है. आपकी फैमिली में अभिनय सर तकरीबन सब लोग एक्टर्स हैं. बिल्कुल. तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना है? आपके मन, आपका नाम भी एक्टर जैसा है, अभिनय देओ. हाँ, एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम अजिंक्य है. अच्छा. और मेरा नाम अभिनय रखा गया, इस होप में कि शायद ये जाके आगे कुछ अभिनय वभिनय करे, लेकिन वैसा हुआ नहीं. अच्छा. और अच्छा है ना, एज ए डायरेक्टर आई गेट टू डायरेक्ट द एक्टर्स रादर देन बी डायरेक्टेड. चलिए, बहुत अच्छी बात. आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सर. थैंक यू. बट इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट जी. जनरली लोग फिल्म की रिलीज के वक्त आते हैं जी, हम ट्रेलर के लॉन्च के वक्त आपके पास आए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज वेलकम. ऑलवेज वेलकम. मेरे भाई का ही शो है, डोंट वरी. आप उसे थैंक यू, मैं कभी भी आ सकती हूं. हाँ, वो तो है. फिल्म के रिलीज पे के वक्त भी आएंगे हम लोग. मैं तो बोलता हूँ सोनाक्षी, इधर कमरा इधर रह लिया करो, फिल्म होती तो इधर चली जाती. आप सीधा ऑपरेशन के लिए तैयारी हो गए हैं जी. That's very good. Oh, what a pleasant surprise. Hi, hi. I'm Bumper. Hi, I'm Bumper. Hi, hi. Hello. वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी अभी मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, इतना कूल है, इतना कूल है. मैं इतना बिजी हो गई कि मैं भूल ही गई कि यहाँ पे जॉन का ऑपरेशन भी करना है हमें. कहाँ चल रहा है ट्रेलर? हाँ, तो ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है. हाँ, हाँ, देख सर, हम देख के आते हैं. जॉन को छोड़ के जाइएगा और ध्यान रखना जॉन का. हाँ हाँ. ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ मैं. क्यों? नहीं, रुक जाइए. डॉक्टर गुलाटी जब तक नहीं आ जाते, मैं अपनी हेल्प के लिए किसी और को बुला लूँ. हाँ, बुला दो. आपके साथ वो ताहिर थे, वो शायद मेरी हेल्प कर दें. तो ताहिर, एक मिनट रुक जाइए ना. ताहिर, ओ हाय 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 हाय. क्या हो रहा है? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम का. हम यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं, आप अभी क्यों स्वागत करवा रहे हो? मैं कर देता हूँ. मेरे को कल एक आदमी कहता इधर बाथरूम नहीं करना, मैंने कर दिया. वो मेरे पीछे ईट लेके भागा, मैंने करता भागा. मैंने बचपन में मेरी टीचर कहती बिल्कुल शोर नहीं करना, मैंने वहाँ पे भी कर दिया. मेरे को कहती हाथ उठाओ, मैं कहा छोटी सी बात के लिए मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता.
आप डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज। मैंने बुलाता, मेरा बड़ा एटीट्यूड है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जन्मदिन था, मैंने ना सलमान खान को बुलाया ना शाहरुख खान को, मैंने कहा दोनों आएंगे, बर्थडे मेरा, न्यूज इनकी बन जाएगी। मैंने बुलाता, मैं बुलाते नहीं। वैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ बहुत ज्यादा। क्या 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 आपको डॉक्टर किसने बनाया, कब बन गए आप? मैं डॉक्टर बना सिद्धू साहब, ये बात है 1990 की। नहीं जाना जाता कि उस दिन आप जीरो पे आउट हुए थे। मैं बता रहा हूँ 1990 में बहुत कुछ हुआ था। 1990 में इंटरनेट लॉन्च हुआ था, और इंटरनेट इतनी कमाल की चीज है, आप जाके कुछ भी ढूंढ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैंने वो मैच देखा, मैं कह रहा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं मजा आया। मैंने क्या अब धूप है। अच्छा ठीक है, आप लोग काम करो अपना, मैं वहां जाके बैठ। अरे उधर कैसे बैठते, कमाल है यार। शत्रु साहब कहेंगे मेरी बेटी से बात ही नहीं की है। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं कहेंगे। मुझे शत्रु साहब का स्टाइल बड़ा पसंद आता है, मेरे को बड़ा मजा आता है। शत्रु साहब गुलाटी आए तो कह देना जेनू आया था। आप इधर लेट जाइए, बहुत ज्यादा आपकी कमाल की बॉडी है आपकी जी। कहाँ से लिया आपने? आप लंबी लंबी सांस लीजिए, सूंघ के बताइए, आपको आलू वाले पराठे की स्मेल आ रही है? मेरा एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरा नाक है बंद आज, मेरे को पता करना है गुलाटी ने पराठे बनाए कि नहीं बनाए। आपको देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इलाज के बारे में, डॉक्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? तुझे देख के ना मुझे उसकी याद आ गई अपने डस्टबिन की। मैं सुबह से कूड़ा जेब में ले घूमना, समझ नहीं आता कहाँ फेंकू। ये ले, ये ले। तनाक्षी मैं बता रहा हूँ, लोग होते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये कूड़ा टेरियन है। और मेरे को पसंद नहीं आई तेरी शक्ल, पसंद आई मेरे को। आपको शायद जानकर ज्यादा खुशी नहीं होगी कि बुजुर्गों पर हाथ उठाना मेरा पुराना शौक है। ओ अच्छा, ये हाथ उठाएगी, मुंह इससे उठाया नहीं जाता, हाथ उठाएगी। आपको मालूम है, आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, हर चीज मिल जाती है, इसकी गर्दन वहां पे भी नहीं मिलती है। मैं जब किसी पे बैठ जाती हूँ ना, पूरा का पूरा इंसान नहीं मिलता है। आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है? मेरे से तेरा मुंह नहीं देखा जाता, गुस्सा क्या देखा जाता। मैं बता रहा हूँ। अच्छा जॉन अब्राहम जी, जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को सिद्धू साहब ने बुलाया घर पे डिनर पे, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं गया इनके बंगलों पे, इन्होंने मुझे खिलाई कद्दू की सब्जी। मेरे को समझ में आया यार, कद्दू की सब्जी कौन खिलाता है? मैं सोच के गया था कुछ तंदूरी फाड़ेंगे, मेरे को कद्दू खिलाया उन्होंने, मेरे को मजा ही नहीं आया। मैं लेकिन समझ गया था, मैंने कहा वकार यूनुस का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हैं। मैंने कहा कद्दू की सब्जी से बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैं वापस आया, मैंने इसका मुंह देखा, मैंने फिर सिद्धू साहब को फोन किया, मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, कद्दू की सब्जी से बुरा है इसका मुंह, है मेरे को पसंद नहीं आया। आपको मिलती है मेरी तरफ ये थैली, मुंह पे डाल लो। देखो भगवान को कितना गुस्सा है, गुस्से में बादल कर रहे हैं। देखिए जॉन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते मैं आपको इस क्रीचर से बचा के रखूंगी। ठीक है। देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आधी रात को भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। आधी रात में तुम पूरी आओगी नहीं? तुम्हें दो रातें लगेगी, दो रातें क्या, तीन परातें लगेगी। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। प्लीज इग्नोर दिस मैन। देखिए आपकी तबीयत देखिए, मुझे लग रहा है कि मुझे आपको इंजेक्शन लगाना होगा। जी जी। ओके। ये चीजें उसे मत दिखाओ, उसका आपसे भी बड़ा है। मैं कह रहा हूं आपको पता है, मैं जब नया नया बॉम्बे आया ना, मेरे को गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। क्या नहीं कर रही थी? गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने फिर इधर की। मैं डॉक्टर गुलाटी से आपकी शिकायत करूंगी। मैं शिकायत से डॉक्टर गुलाटी कर दूंगा। मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद आई, तो सामूहिक लानत है तुम पे। हेलो नाक्षी जी, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देता हूँ। किस खुशी में यहाँ पर मेहंदी लगवाने नहीं आई है यार? अपने शत्रु जी की बेटी है, शत्रु जी हमारे मित्र हैं। अच्छा देख लो सिद्धू जी, आदमी के कर्म अच्छे हो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में एक बंदे को अपना मित्र नहीं बनाया, वो है वकार जोनेस।
हिंदुस्तानी आदमी है बकार यूनिस बकार यूनिस पर मेरे को बकार यूनिस बिल्कुल नहीं आया बकार यूनिस बकार यूनिस हाथ धोगी है यार मेरे को नहीं आया पसंद मैंने कहा मेरी जुराब चुरा लेता मैं उसको कुछ नहीं कहता आपको जीरो पे आउट किया मेरे को मजा ही आया What a busy day! आज ना ये पैंट धो के मेरी टांगों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया अरे हाय रोड़े रोड़े यहाँ क्या कर रहे तुम अरे रुको मैं नीचे आता हूँ अभी ये आदमी को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया कभी ऊपर जाने की सोचता नहीं मैं जाकर नीचे आता हूँ मेरे को ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदी शक्ल इसकी Hi John. Hi Sinha. Hi. John Sinha. अरे ये तो रेसलर बन गए. John Sinha. John Sinha. Hi Chansio. Hi Tahir. Hi. I'm Dr. Mishur Gulati. Nice to meet you, Tahir. Yeah. Hello. Nice to meet you. Hi, I'm Dr. Mishur Gulati. मैंने तेरे मुंह पे मारने थे बट मैंने मारे नहीं सबको इसके मुंह से प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है पता नहीं ओके आई एम डॉक्टर मिशेल ग्लैटी TKHHPW TKHHPW मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले Myself MTY BBPN इसका मतलब मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मैं एक चीज कहनी भूल गया 80 मतलब मेरी प्लास्टिक सर्जरी क्यों की जा रही है यहाँ पर शक्ल पसंद नहीं सबको प्रॉब्लम हो रही थी ना शक्ल से तो ढक दी मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो ढक दी बेटे मैं कहता बहुत अच्छा किया तुम एक काम करो टाइम निकाल के सुसाइड कर लो जो मर्जी कर रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार मैं इनका चेकअप कर रहा था और मैंने यार क्या करना इधर तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आया हूँ आप भी कभी बोलते रहते हैं लगाने आए लगाने मेहंदी लगवाई नहीं मैं चाहती हूँ आप लगाते तो है नहीं मेहंदी कभी तो अपने जुबान पे लगाम लगा चुपचाप आपकी कोई भी झूठी चीज मैं अपनी जुबान पे नहीं लगाऊंगी ओए तूने मेरे ऊद बिलाव जैसे भाई को घोड़ा कहा उबला हुआ ऑक्टोपस कहेगा मेरी तरफ से नाली में गिर जा मैं तो कहता हूँ मैं आपकी तरफ से नाली में क्यों गिर जाऊं तो अपनी तरफ से गिर जा यार ये तुम दोनों यार बाहर जाके वहाँ क्यों नहीं लड़ लेते हैं मैं यहाँ पे सोनाक्षी जी का चेकअप करने के लिए मेरा मुझे कुछ नहीं हुआ एज ए डॉक्टर मेरी ड्यूटी है मुझे सबका चेकअप करना पड़ता है सोनाक्षी जी जरा अपना मुंह खोलिए अतू मुंह से आया कुछ भी नहीं सिर्फ आवाज आई पता है आपको लोग तो मेरे ऊपर रियल फेंक जाते हैं वेरी जेनरस ऑफ यू चेकअप की इन्हें जरूरत है यहाँ पर है पेशेंट यहाँ है लेकिन मैं क्या है ना आपने वो कहावत नहीं सुनी कि जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इसलिए मैं उनको नहीं पकड़ रहा मैं सोनाक्षी जी इनका हाथ पकड़ने वाला वे मैं तेरे को अगर तूने सोनाक्षी को हाथ लगाया मैंने हाथ उठा देना तेरे ऊपर मेरे को थप्पड़ से डर नहीं लगता मेरे को प्यार से डर लगता नहीं लगता मैं कल खाना खा रहा था मेरे मेरी दाल में गुलाटी का बाल आ गया मुझे बड़ा गंदा लगा लेकिन उससे ज्यादा गंदा मुझे तुम्हारा गाना लगा मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा गाना देखिए मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगी मैं तुम्हारे केस पे मानहानि कर दूंगा बंपर एक काम करो बेड नंबर 3 का पेशेंट है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है उससे पहले वो बेहोश हो उससे खाना बनवा लो जा ठीक है मैं चली जाती हूँ लेकिन जॉन यहाँ पर है आप जरा उनका प्लीज ख्याल रखिएगा वरना मैं आपका खून पी जाऊंगी मैं तेरे मुंह पे थूक दूंगा ए गुलाटी मैं कह रहा हूँ अगर इसने थूक दिया ना तेरे बाढ़ आ जानी है तेरा मुंह तेरा बह जाएगा मेरे को पसंद नहीं आएगा फिर मैं अपना भाई कहाँ से ढूंढूंगा तुम दोनों पे स्पाइसी लानत है
मिर्च वाली लानत। ठीक है, बोलती मैं जाके आती हूँ। आई विल बी बैक। नो इट्स ओके। सोनाक्षी, मुझे लगता है यहाँ इस माहौल में आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ हॉस्पिटल में अंदर चले, मैं आपका वहाँ इलाज करता हूँ। एक मिनट, ये मानेगा नहीं बंदा। मैं चतुरु साहब से शिकायत करता हूँ। मैं चतुरु चतुरु हेलो हाँ जी चतुरु साहब, हाँ जी मैं राजेश रोड़ा, हाँ जी फोन उठाइए। हाँ जी उठा लिया। जा रही है डर। हाँ जी हाँ जी शत्रु साहब, मैं हाँ जी राजेश रोड़ा बात कर रहा हूँ। कैसे खामोश सर जी, मैं खामोश हो गया तो बात कैसे करेंगे। मैंने आपको कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था। ये जो गुलाटी का बच्चा आपकी बेटी पर लाइन मार रहा है। अच्छा मैं इसको कह दूँ, हाँ चतुर साहब कह रहे हैं गुलाटी के बच्चे चपड़ गंजू खामोश जी। जली को राग कहते हैं, हाँ जी बुझी को आग कहते हैं। बारूद से जो अनी क्या बने जी, विश्वनाथ से बारूद, उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ के घर में जो कमोड है उसे गुलाटी कहते हैं। हाँ जी चतुर साहब क्या कह रहे हैं, चतुर साहब गाली दे रहे हैं, कहते तेरी डॉक्टरी का ग्लूकोज है। हाँ जी कहते तेरे स्टेथोस्कोप का टाइटनेस है जी। कहते आइंदा सोनाक्षी से बात की तो, हाँ जी हाँ तो कह देना कि छिनू आया था। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले मेरे को पकड़ दो सही। ओ एक बार फोर्स टू की सारी टीम के लिए जोरदार तालियां। मैं सेल्फी लेना तो मैं भूल ही गया, अभी मैं लेता हूं सेल्फी। थैंक यू गाइस। ताहिर सोना जॉन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फोर्स टू के लिए। थैंक यू आपकी ये फिल्म पहले वाली फोर्स से भी बड़ी हिट हो। डबल फोर्स। और आप सब लोग देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।